हमारा मिशन कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का था। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली फॉर द फैमिली, और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। जनता जब जवाब देती है तो बड़े बड़े शाही खानदान के युवराजों को बेदखल होना पड़ता है। लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं, और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। भारत माता की, भारत माता की। सारे डुग्गर देश दे लोगों की मेरा नमस्कार। जोर कन्ने बोलो, सारे बोलो। 1992 में एकता यात्रा के दौरान यहां जो आपने भव्य स्वागत किया था, जो सम्मान किया था, एक प्रकार से पूरा क्षेत्र रोड पर आ गया था। और आप भी जानते हैं तब हमारा मिशन कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का था, और इसी मैदान पर मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियों ने जो कुछ सहा है उसे मुक्ति दिलाऊंगा। दशकों बाद ये पहला चुनाव है जब आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी, बंद, हड़ताल, सीमा पार से गोलीबारी, ये चुनाव के मुद्दे ही नहीं है। आज जम्मू और कश्मीर के चप्पे चप्पे में भी एक ही गूंज सुनाई दे रही है, फिर एक बार, फिर एक बार। और सरकार जब मजबूत होती है तो जमीन पर चुनौतियों के बीच भी चुनौतियों को चुनौती देते हुए काम करके दिखाती है। मैंने कहा था आप मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं 60 वर्षों की समस्याओं का समाधान करके दिखाऊंगा। गरीब को दो वक्त के खाने की चिंता न करनी पड़े, इसकी गारंटी दी थी। भाइयों और बहनों, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी ने किसानों को गारंटी दी थी और इसे भी पूरा करके दिखाया है। इस डैम से जो बिजली पैदा होगी वो जम्मू कश्मीर के घरों को रोशन करेंगे। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली बाय द फैमिली फॉर द फैमिली, और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। 370 हटी तो आग लग जाएगी, जम्मू कश्मीर हमें छोड़ के चला जाएगा।
लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने इनको आईना दिखा दिया। 370 के हटने से क्या लाभ हुआ है वो जम्मू कश्मीर की मेरी बहन बेटियों को पूछो, जो अपने हकों के लिए तरस रही थी। ये उनका भाई, ये उनका बेटा, उन्होंने उनके हक वापस दिए हैं। मैं चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए, विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे, ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका सपना ये मोदी का संकल्प है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए हर पल आपके नाम, आपके सपनों को पूरा करने के लिए हर पल देश के नाम, विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए 24/7 फॉर 2047 ये मोदी की गारंटी है। मेरे जम्मू कश्मीर के भाई बहन, आपने पहले इतने बुरे दिन देखे हैं कि आपको ये सब बहुत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, विकास जैसा लग रहा है, लेकिन जो मोदी है ना, वो तो बहुत बड़ा सोचता है। ये मोदी दूर का सोचता है और इसलिए अब तक जो हुआ है वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। मुझे तो नए जम्मू कश्मीर की नई और शानदार तस्वीर बनाने के लिए जुट जाना है। भाइयों और बहनों, ये परिवार चलित, परिवारवादी, परिवार के लिए जीने मरने वाली पार्टियों विकास की भी विरोधी है और विरासत की भी विरोधी है। जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारे मंदिर तोड़े तो भारत के लोगों ने अपने धर्म स्थलों को बचाने की लड़ाई लड़ी थी। वर्षों तक लोगों ने अपनी ही आस्था के लिए क्या क्या नहीं झेला, और हमने इन्हीं लोगों से कहा कि एक दिन आएगा जब रामलला भव्य मंदिर में विराजेंगे। जो इसे चुनाव का मुद्दा कहते हैं, उनके लिए चुनावी मुद्दा था, देश के लिए ये श्रद्धा का मुद्दा था। साथियों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता, राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था, जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था, उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं उसके बाद ये लोग
पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं, और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। लेकिन ये लोग नहीं जानते, जनता जब जवाब देती है तो बड़े बड़े शाही खानदान के युवराजों को बेदखल होना पड़ता है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।